हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई थिंक ऑल आर फाइन तो पीएचडी एच डी के लिए नोटिफिकेशन आया है पीएचडी जो है पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही टाइप के अवेलेबल हैं और जो फुल टाइम होंगी वो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे होगी तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए तो जानते हैं एम ए यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि फुल डिटेल इंफॉर्मेशन क्या आपकी फ़ीस रहेगी क्या कुछ रहेगा क्योंकि अगर आप फुल टाइम करते हो तो अपने आप ही वहाँ के जो है आपको स्पॉन्सर फेलोशिप अवेलेबल होती है तो यानी कि एज ए आप ये मान सकते हो कि आपकी फ़ीस नहीं लगेगी इतनी वहाँ पर आपको फेलोशिप मिल जाएगी तो चलते हैं और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या इसकी इन्फॉमेशन है उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पी एडमिशन रिगार्डिंग और उसके साथ साथ अगर आपको कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अगर आपको कॉमर्स के किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है तो उसके भी वीडियोस हमारे पास आपको अपलोडेड मिल जाएंगी तो चलते हैं बग और चेक करते हैं फुल डिटेल इंफॉर्मेशन तो नेक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है सेवेंटी ए वन प्रोग्राम में पीएचडी अवेलेबल है एलेवन स्टेट प्रेजेंस और हैदराबाद में ये यूनिवर्सिटीज़ है तो जो डेट मेंशन है नोटिफिकेशन की 28 जनवरी है लास्ट डेट आपकी रहेगी 28 फरवरी इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड आपके 7 मार्च को रिसर्च एडमिशन टेस्ट इलेवन मार्च को प्रिलिमिनरी जो की होगी वही इलेवन मार्च को ही आपको बता दी जाएगी ऑब्जेक्शन वगैरह डालना है तो 12 से 13 मार्च का आपको डेट टाइम दिया जाएगा चौदह मार्च को आपकी फाइनल आंसर की जो है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी और फिर रिसर्च एडमिशन टेस्ट जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो अठारह मार्च को आएगा ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट ट्वेंटी वन मार्च फिर इंटरव्यू आपका ट्वेंटी फोर मार्च को लिया जाएगा लिस्ट लगेगी ट्वेंटी फोर मार्च को सॉरी और ट्वेंटी सिक्स मार्च को आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और फिर आपकी फ़ीस जो है थर्टी मार्च को ली जाएगी और आपका कोर्स वर्क जो है फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा यानी कि फ़र्स्ट अप्रैल से आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा ये टाइम पीरियड यहाँ पर मैंशन है तो आपको ये दिक्कत भी नहीं रहेगी कई बार क्वेश्चन आते रहते कि मैम एडमिट कार्ड आ गया फाइनल आंसर की आ गई तो यहाँ पर जो है आपको फुल डिटेल गिवन है प्रोस्पेक्टस में आप जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और तो जो फीस लगेगी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस फिफ्टीन हंड्रेड लगेगी ऑनलाइन पेमेंट मोड पे आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस होगी और जो एप्लीकेशन फ़ीस की जो आपको पेमेंट करनी है वो यहाँ पर जो आपको प्रोस्पेक्टस में लिंक मिल जाएगा तो इसको एक बार आप यूनिवर्सिटी पे जाकर इसको जो है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा वहीं से आपको पेमेंट की भी डिटेल्स अपनी सभी डिटेल्स और पेमेंट भी वहीं पर आपको सबमिट करवानी है तो जो सीट्स हैं वो देख सकते हो आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन ई कॉमर्स डिजिटल स्पोर्ट सिस्टम फाइनेंसिंग डेरिवेटिव, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेट फाइनेंस कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉमर्स और टैक्सेशन इसमें पीएचडी की फोर्टीन सीट्स हैं और एचआरएम, जनरल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंप्लाई एट्रैक्शन एंड रिटेशन ओ बी कॉरपोरेट गवर्नेंस लीडरशिप इसमें थर्टीन है मार्केटिंग ई मार्केटिंग एंड ई बिजनेस ग्रीन मार्केटिंग एस सी एम सी आर एम इंटरप्रीनरशिप पब्लिक पॉलिसी एंड एथिक्स इनोवेटिव मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग इसमें टेन सीट्स हैं ये आपकी जो है पार्ट टाइम्स के लिए अवेलेबल हैं पी एच डी प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट में आपकी थर्टी सेवन सीट्स हैं और जिसमें चौदह जर्नल की हैं नाइन ओ बी सी की हैं फोर एस सी की थ्री एस टी की और थ्री ई डब्ल्यू एस की उसके बाद है फाइव पी एच डी प्रोग्राम मैथेमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी एंड इन में जो है आपकी ये अलग अलग गीवन है आप देख लेना आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मैंशन है कि कितनी किस्में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वैकेंसी ऑफ पी एच डी सीट्स तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं तो आप अपने सब्जेक्ट्स के देख लेना ये इसमें फुल गीवन है कि आपको अपलिकेशन कैसे फिल करना है आप जब प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है कैसे पेमेंट करनी है सारा सब कुछ इसमें बताया गया है एक बार सीट चेक कर लेते हैं भाई ये जो है सीट्स हैं सीट आपकी द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलेवन सीट्स हैं स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन एरिया और थीम उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शन नो एज बार कोई भी एज लिमिट नहीं है यानी कि किसी भी एज का जो है आप करना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है मोड ऑफ़ एडमिशन्स जो होगा रिसर्च एडमिशन टेस्ट होगा वो आपका उसकी वेटेज और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपका एड, जो है एडमिशन्स होगा तो किसके कितने मार्क्स लगेंगे एक बार ये भी देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपकी फ़िफ्टी फाइव परसेंट स्कोर होने चाहिए मास्टर डिग्री में और इसके साथ साथ ये जन अलेबिलिटी है तो फिफ्टी फाइव परसेंट होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो तो रिसर्च एडमिशन टेस्ट से एग्जाम कौन कौन है यानी कि जिनको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है जिनका नेट सेट स्लेट गेट जीपैट या फिर जी आर एफ या एम फिल एज पर यू जी सी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने फिफ्टी फाइव परसेंट स्कोर ले रखे हैं ग्रेड इन कौन कोर्स वर्क इन कंसर्न सब्जेक्ट्स तो उनको जो है रिसर्च एडमिशन टेस्ट के लिए एग्जाम्पटिव कैटेगरी में रखा गया है यानी कि उनकी ज़रूरत नहीं है रिसर्च एडमिशन एग्जाम्पटि रिसर्च एडमिशन टेस्ट देने की वैसे अगर आपका नेट जी आर क्वालिफाइड नहीं है तो आपको देना पड़ेगा या फिर आपने एम नहीं कर रखी है तो आपकी रिसर्च एंड एडमिशन टेस्ट की जो है वेटेज वो क्या रहेगी जी की सेवेंटी मार्क्स रहेगी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड तो उनको सेवेंटी मार्क्स साइंटिस्ट वर्किंग इन रिसर्च लेबोरेटरी तो सेवेंटी मार्क्स और अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आपको लगेंगे सिक्सटी मार्क्स राजीव गांधी फेलोशिप अवार्ड तो सिक्सटी मिलेंगी एम फिल एज पर टू थाउजेंड नाइन और सिक्सटीन रेगुलेशन विद एटलीस्ट सिक्स फिफ्टी फाइव परसेंट तो आपको फिफ्टी मार्क्स तो ये आपकी जो है वेटेज रहेगी ये कोटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फ़ीस पेमेंट आपकी जो है नॉन रिफ़ंडेबल रहेगी जैसा कि बता दिया गया है फ़िफ्टीन हंड्रेड आपकी फ़ीस लगेगी और डेट वग़ैरह पहले ही बता दी गई है कि क्या आपकी किस डेट रहेगी इसके बाद देख लेते हैं अगर कोई अदर वैल्युएबल इंस्ट्रक्शन होगी तो, तो ये जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी ये सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए है पार्ट टाइम जो इन स्पॉन्सर्ड और सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फ़ीस फिफ्टीन हंड्रेड एडमिशन फीस फाइव हंड्रेड कोर्स वर्क फ़ीस ट्वेंटी थाउजेंड्स एंड फाइव थाउजेंड्स पर कोर्स सेमेस्टर फ़ीस पार टाइम कैंडिडेट्स के लिए लगेगी ये ट्वेंटी थाउजेंड्स पर सेमेस्टर टॉपिक मोडिफा मोडिफिकेशन या सीनोपसिस रिसबमिशन फ़ीस फाइव थाउजेंड थी सबमिशन एंड ईवेलुशन फ़ीस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड्स तो जिस डिपार्टमेंट से आप चाहते हो अप्लाई करना यहाँ पे अलग अलग गिवन है उसी के कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करना अगर आप कॉमर्स एंड बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप मेल करनी होगी और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो साइंस के हो तो आप इस नंबर से तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग नंबर गिवन है एक मिनट रुको बैक हो गया था तो इसके साथ ही ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट्स वगैरह भी गिवन है एक बार नंबर शो कर देते हैं आपको क्योंकि कई क्यों 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 बार जो है कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं कि मैम ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ या रिजल्ट्स नहीं आया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ तो ये आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो डिपार्टमेंट भी गिवन है टेलीफोन नंबर गिवन है ईमेल आईडी गिवन है तो मेल भी कर सकते हो टेलीफोन भी कर सकते हो इन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग हाँ जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो उसी से कॉन्टैक्ट नंबर क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं पर आपको मिलेगी ये नहीं है कि आप साइंस डिपार्टमेंट के हो कॉमर्स तो में कॉल करोगे क्योंकि फिर उनको उस चीज़ की परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है थैंक यू सो मच और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेसन में बता सकते हो वैसे हमने यहाँ पे टेलीफोन नंबर मेंशन कर दिया है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं है तो आप यहाँ से कन्फर्म कर सकते हो थैंक यू सो मच और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें थैंक यू